हमारे साथ इस समय मौजूद है पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत। सर, आपने आज राहुल गांधी जी से मुलाकात की है, क्या कुछ चर्चा हुई सर आज की मीटिंग में? नहीं, राहुल जी से तो मैंने सामान्य तो एक जनरल सेक्रेटरी अपने लीडर से मिला है और उसमें कोई ऐसी बातों पर जिसमें आपकी दिलचस्पी आज है वो सम्मिलित नहीं है। लेकिन कल कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आए थे, 18 बिंदु बातचीत करके हमने चयनित किए हैं पार्टी हाईकमांड ने, जिन पर स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी से कहा गया है कि इन पर आप टाइम बाउंड मैनर में अमल प्रारंभ करवाइए। सर, क्या इन 18 जो पॉइंट्स आपने दिए हैं उसमें बेअदबी का मामला और सैंड माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, ये भी शामिल हैं? इसमें ये सब मामले सम्मिलित हैं, क्योंकि बेअदबी वाला मामला बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और उसमें अभी तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से हम सहमत हैं, लेकिन और फर्दर कदम उठने हैं। ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है मगर निर्णायक कार्रवाई होनी है। सैंड माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ आपको अगले दिनों के अंदर सरकार प्रभावशाली तरीके से प्रहार करते हुए दिखाई देगी। उसी तरीके से 200 यूनिट तक बिजली पंजाब के प्रत्येक परिवार को मुफ्त दी जा सके उसका निर्णय भी किया जाएगा। उसी प्रकार से जो पावर एग्रीमेंट है, पावर एग्रीमेंट का कुछ भाग जो पंजाब के किसानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ है, उसको स्क्रैप करने की प्रोसेस जारी कर दी गई है। मगर हमको एक बात ये भी ध्यान में रखना पड़ रहा है कि बिजली की सप्लाई से डिस्टर्ब ना हो, तो ये दोनों को सुनिश्चित करते हुए बहुत बैलेंस तरीके से कर रहे हैं। ज़मीनों में जो दलितों का कब्जा है और उसको रेगुलराइज किया जा रहा है और SCP स्पेशल कंपोनेंट प्लान को कानूनी दर्जा दिया जा रहा है और उसके अलावा जो है हमारी जो SC के लोगों का ऋण है या गरीबों का ऋण है उसको माफ़ करने के लिए सरकार ऑलरेडी कदम उठा चुकी है और इनमें से कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार ले चुकी है, ऑलरेडी ले चुकी है, जो मैंने अभी बताया प्रोसेस ऑन है, लेकिन हमने उसको कहा है कि इसको टाइम बाउंड मैनर में पूरी पब्लिसिटी के साथ इसको करवाइए आप करके। उसी प्रकार से जो नौजवानों की नौकरी को लेकर के है, हम 1 लाख का लक्ष्य जो हमने रखा था उसको जल्दी पूरा करेंगे। सर, लेकिन सरकारी नौकरी के मुद्दे पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर, तो उस पर क्या कहना? जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका उत्तर निकाल दिया गया है। दोनों हमारे शहीद परिवारों ने विनम्रतापूर्वक कह दिया है कि हम सरकार के आभारी हैं। देखिए, सरकार ने शहीदों का सम्मान किया है, उसमें उसका जो लोग राजनीतिकरण कर रहे थे उनको मुंह की खानी पड़ी जब शहीद परिवारों ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखा करके कहा कि यदि भाई कोई कंट्रोवर्सी है, आपने सम्मान दिया, बहुत धन्यवाद, लेकिन हम जो है इसको वापस कर। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या कल आपने नवजोत सिंह सिद्धू को दिल्ली बुलाया है? नहीं, देखिए दिन आपने तय कर दिया है, लेकिन मैं नवजोत सिंह सिद्धू जी से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे एजेंडे में है उनसे बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, जो हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात करके आए हैं। इससे पहले हरीश रावत ने कल कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की थी। हरीश रावत ने ETV भारत से बातचीत के दौरान बताया कि 18 मामलों पर जो AICC कमेटी है उन्होंने सरकार को कदम उठाने के लिए सजेशन दिए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब कांग्रेस में जो लगातार कलह चल रही है उसको सुलझाने में कांग्रेस सफल हो पाएगी या नहीं। मैं न्यामिका सिंह, दिल्ली से ETV भारत के लिए।